नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन अपडेट होकर आया है दोस्तों 17 नवंबर को। तो ये 17 नवंबर को आप सभी आईटीआई वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी अभी आज तक एग्ज़ाम के लिए परेशान थे वो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये सारे आपका नोटिस जो निकला है इंग्लिश में DGT के द्वारा निकला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है आपका क्लियर दिया गया है, इसी तरह 17 नवंबर को दिया गया है। DGT आपका जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा दिया गया है, ये तीन आपका टॉपिक है, ठीक है। और सभी को अलाटमेंट किया गया है, सभी प्रिंसिपल के पास से इसका ईमेल गया होगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आपका पेपर होने वाला है, किस प्रकार से। यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम आपका है सीजन 2019-21 वाला, ठीक है। CBT और ED प्रैक्टिकल इनका तीनों होने वाला है। और यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम आपका सीजन 2020-22 फर्स्ट ईयर का है, ओनली इनका ED होने वाला है। आपका तीसरा नंबर है रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम सीजन 2020-21 वाला, तो ये आपका 6 मंथ वालों के लिए है, जो CBT ED ये आपका प्रैक्टिकल तीनों होने वाला, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कब से पेपर स्टार्ट होने वाला है, किस तरह से क्या होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए 13-12 से आपका पेपर ED का स्टार्ट हो जाएगा, ED आपका हो जाएगा, प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ CBT की बात करेंगे 20-12-2021 का, तो CBT का स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का 376 आपका नहीं कटा हुआ है तो वो भी कैंडिडेट आप सावधान हो जाए, उनका जल्द ही पेमेंट कटेगा, उसके पास CBT एग्जाम के लिए वो तैयार हो जाए। चलिए इसका हिंदी में गाइडलाइन आपको बताता हूँ क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ कहा गया कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार, ठीक है। DGT आपका जो भी निदेशालय दिया है, यहाँ पर तीन चीज दिया है। राज्य निदेशालय के सभी निदेशक शिल्पकार प्रशिक्षण योजना संबंधित बताया गया है, NCTI और NCTI और WDGT MSDEI के प्रधानाचार्य, सभी क्षेत्रीय निदेशक IDSD DGT MSD DGT, ठीक है। ये सभी लोगों का, इनसे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का बस पेपर से मतलब है, क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सभी वार्षिक प्रणाली के तहत ITT के लिए हॉल टिकट निर्माण के लिए गतिविधियां कार्यक्रम है, प्रैक्टिकल ED और सैद्धांतिक CBT मोड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गतिविधियां जो आपका है, तो यहाँ पर सीधे मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं कि कब से कब शेड्यूल क्या है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने जो चीज़ बताना था आपको पहले वाले इंग्लिश वाले टॉपिक में बता दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीसरे नंबर टॉपिक में एकदम क्लियर यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर का टॉपिक ये कह रहा है कि आपका ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और शॉप कैलकुलेशन के लिए सैद्धांतिक परीक्षाएँ आपका, देखिए विज्ञान आपका CBT मोड में 20-12-2021 जो आपका दिया है, दिसंबर में 20 तारीख से आपका CBT एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। CBT वाला जो है आपका 20 तारीख से स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल का जो आपका है वहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइन दिए गए हैं COVID-19 के अनुसार से। और इसके बाद वाला भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि आपका उल्लंघनी या मतलब जो भी है आपका शिकायत या निपटारा जो भी करना है या फुल कान विचार कर लेना चाहिए, ठीक है। या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रणाली से पहले नियमित प्रशिक्षुओं के लिए CBT परीक्षा 2020-22 के बाद प्रथम चरण में होना चाहिए। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ भैया, देखिए 13 तारीख और 12वां महीना दिसंबर में आपका ED और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लियर। इसके बाद बता रहा हूँ 20 तारीख से आपका CBT का एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हॉल टिकट की बात करेंगे तो 5 डे के पहले ये लोग बताए हैं कि आपको देना है, ठीक है। वैसे देखा जा रहा है कब आ रहा है, ठीक है। कभी नियम पालन होती है तो कभी नियम पालन नहीं होती है, तो वैसे आप मान के चलिए एकदम तैयारी में लग जुट जाइए, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए आप लोग देखिए, आप प्ले लिस्ट में मेरे चले जाइएगा, CKP CITS में, या आप चले जाइएगा यहाँ पर NTSP ITI में, किस में NTSP ITI, ये दोनों चैनल अपना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जाके सारे चीज़ सारे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने मार्क्स को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।